हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। गाइस, आज मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इस रेमेडी के साथ। ग्लिसरीन को इस तरीके से लगाने से गर्मियों के टाइम पर आपकी स्किन में इतना ज़्यादा ग्लो आएगा, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा रेडियंस और सॉफ्ट दिखेगी कि आप खुद भी बिलीव नहीं कर पाएंगे अगर आप भी ग्लिसरीन को इस तरीके से यूज़ करेंगे। मैं आज आपको ग्लिसरीन के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा लाइट और वाइटन कर देगी, डार्कनेस को रिमूव करेगी और स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ब्राइट कर देगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के फटाफट से आपको बताती हूँ ग्लिसरीन को कैसे यूज़ करना है और इस ग्लिसरीन का यूज़ आपके स्किन के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाते रहेंगे। मैं ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ, ये स्पेशली स्किन के लिए ही यूज़ किया जाता है ये ग्लिसरीन। बट अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी किसी भी ब्रांड का ग्लिसरीन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर एक बॉल ले लीजिए और मैं ऐड कर देंगे हम ये छोटा चम्मच ग्लिसरीन। आप यहाँ पर अगर बड़ा चम्मच है तो हाफ टी स्पून ले लीजिएगा और इस तरीके से मैं ये 1 टी स्पून ग्लिसरीन ले रही हूँ इसके अंदर। तो इसके बाद क्या करना है, आपने ऐड करना है इसके अंदर ऑलिव ऑयल। गाइस मैं आपको बता दूँ, ऑलिव ऑयल स्किन के लिए मस्ट हैव बेनिफिट्स रखता है। बट अगर आपके पास यहाँ पर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोकोनट ऑयल लिया जा सकता है। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं ये ऑलिव ऑयल। और मैं ये जो रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ स्पेशली ड्राई स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट अगर आप इसको अपनी डैमेज और टैन हुई स्किन पर भी यूज़ करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है गाइस। सो यहाँ पर फाइनल इंग्रेडिएंट जो कि मैं ऐड करने वाली हूँ, लेमन जूस। जी हाँ, मस्ट है इसके अंदर आपको लेमन जूस ऐड करना ही है क्योंकि यही इस रेमेडी को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करता है और आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर लेमन जूस ऐड करेंगे हम, हाफ लेमन जूस पूरा ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक इस तरीके से ये सीरम रेडी है। और गाइज इसको आपने कॉटन की हेल्प से या फिर लेमन के छिलके से रब करना है स्किन पर जस्ट ओनली 5 to 7 मिनट्स के लिए और उसके बाद इसको अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ आपने अपनी स्किन को साफ कर देना है। ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है आपके स्किन पर ग्लिसरीन के साथ ही। बस ये दो चीज़ अगर आप यूज़ कर लोगे तो ड्राई क्रैक और चैप्ड स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। सो गाइज़ आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। थैंक यू।